लगातार महागठबंधन से आपको ऑफर मिल रहा है कि चिराग पासवान हमारे साथ आ जाए। भाई इस बात में शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त ये तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा है। तब तक हम लोग की प्राथमिकता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच जाना, अपने जनाधार को बढ़ाना, इसी प्राथमिकता के ऊपर फिलहाल पार्टी का ध्यान केंद्रित है और उसी पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। चिराग जी, सुल्तान सिंह जो कि आपके काफी ज्यादा करीबी है, उन्होंने कल एक बयान दिया है और कहा है कि अगर चिराग पासवान और सुपति पारस एक साथ नहीं आते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी, वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ के लिए होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। पर पशुपति पारस ने तो साफ कह दिया कि चिराग पासवान हमारे भतीजा नहीं, हमारे खून नहीं है। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं ना, दिक्कत तो इसी बात की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा करते? भाई अगर कहीं पे कोई कठिनाई थी, बैठते ना, समझाते, बात करते, पर इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया, अगर वो मुझे अपना मानते तो संभवतः शायद वो कभी ऐसा करते नहीं। बट बहरहाल अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ, मेरी पार्टी निकल चुकी है, पर बार बार इन्हीं बातों को कहते रहना, इसका कारण मेरी समझ के परे है कि क्यों इन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाता है। भाई आप अपनी पार्टी के कार्यों में लगिए, आप अपने मंत्रालय के कार्यों में लगिए, बार बार मेरे नाम को लेकर मुझे इस तरीके से बेइज्जत करना, बार बार मेरे ऊपर इस तरीके की बातें करना, मैंने आज तक पिछले 2 सालों में आप देख लीजिए ना, मैंने उनके बारे में कभी कुछ कहा ना कभी कुछ बोला, पर उन्होंने हमेशा समय समय पर रह कर जिस तरीके से